मोदी कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी के फैसले जो हैं वो हमेशा से चौंकाने वाले रहे हैं, और चौंकाने वाला जो फैसला रहा है वो मोदी कैबिनेट में कई बड़े मंत्रियों को यहाँ पर हटा दिया गया है तो कुछ नए चेहरों को भी जगह दी है। इसके साथ ही सात महिलाओं को कैबिनेट में जगह मिली है, उनके आपको विभाग भी बताएंगे आखिर किसे कौन सा मंत्रालय मिला है, क्योंकि हर किसी को जानना बहुत जरूर हो जाता है आखिर महिलाओं को कौन से विभाग यहाँ पर सौंपे गए हैं। और कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री मोदी दावा करते हैं कि सबका साथ सबका विकास और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जो यहाँ पर कदम उठाए थे उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट में यहाँ पर करीब सात नए जो चेहरे हैं महिलाओं के वो शामिल किए हैं। इसके साथ ही कुछ महिलाओं को यहाँ पर मंत्री से हटा दी भी गया है, क्योंकि देवश्री चौधरी का नाम जो था वो अब हट गया है कैबिनेट से, उनको हटा दिया गया है, लेकिन सात नए चेहरे जिस कैबिनेट में शामिल हुए हैं और उनको विभाग भी सौंप दिए गए हैं उसकी डिटेल आपको दिखाते हैं। बता दें कि सात महिलाओं में दर्शना विक्रम जरदोस को कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा प्रतिमा भौमिक यहाँ पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए हैं। शोभा करंदलाजे किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार यहाँ पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाई गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो मीनाक्षी लेखी विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृत मंत्रालय में राज्य मंत्री, अनुप्रिया सिंह पटेल वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और अन्नपूर्णा देवी शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए हैं। यानी सभी जो महिलाएं हैं उनको राज्य मंत्री यहाँ पर दर्जा दिया गया है। ये बड़ा फैसला प्रधानमंत्री मोदी का हुआ है और कहीं ना कहीं जिस कार से यहाँ पर मंत्रालय में बड़ा उलटफेर हुआ है और कई बड़े दिग्गज नेताओं को यहाँ पर मंत्रालय में छुट्टी हो चुकी है। इसके अलावा अगर बात की तो आपको बहुत जल्द किस राज्य से कितने मंत्री बनाए गए हैं उसकी भी डिटेल आपको बहुत जल्द देने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी का ये फैसला जो है वो कितना सही, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।